पहले मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो लाया था एडीएम प्लग की, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लग था और उसकी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त थी और काफ़ी दोस्तों ने वीडियो पे अमल किया था। मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल आप ना अच्छे तरीके से वाजिया तरीके से पता चल जाएगा वो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका फ़ायदा है या नहीं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी से मैंने पैसे नहीं लिए, मैं खुद अपने तौर पे एक तजर्बा एक्सपेरिमेंट करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ ताकि आप उस वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप वो चीज़ खुद बेफिक्र होकर आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले की तरह जितने भी हमने तजर्बे किए हैं आज फिर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले हमने एक, तो आज जो दोस्तों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ ये ऑक्टेन बूस्टर है, आप ये देख लें ऑक्टेन बूस्टर। तो ये आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसका फ़ायदा है या नहीं। मैंने YouTube पे भी देखा है और ये गाड़ियों में बाइक में बहुत ज़्यादा TikTok पे मैंने काफ़ी देखा है। TikTok में एक लाहौर का लड़का है वो बाइक मैकेनिक है, वो यूज़ कर रहा है ये। तो यार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे मेरी सारी वीडियो होती है। NGK का प्लग मैंने यूज़ किया था आप दोस्तों के सामने और बिफ़ोर आफ्टर दोनों चीज़ें आपके सामने थी, क्या उसका फ़ायदा है या नहीं है। तो इसका फ़ायदा है या नहीं है, ये सिर्फ पैसे वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं चाइना की होती हैं जहाँ से भी होती हैं। तो ये फ्लेमिंगो का है ऑक्टेन बूस्टर, ये 350 ml है जो कंपनी रिकमेंड करती है। ये तकरीबन गाड़ी के लिए, मैं बाइक के लिए नहीं बता रहा, गाड़ी के लिए। तो वो कंपनी रिकमेंड करती है 60 से 80 लीटर का अगर टैंक है तो उसमें आपने ये पूरी बोतल डाल देनी है। 350 ml की बोतल है, ठीक है, 350 ml की बोतल है आपने डाल देनी है। अगर बाइक है तो बाइक में आपको कम डालना पड़ेगा ना, हमारे बाइक में जो पेट्रोल है 1.5 लीटर है। अभी इसमें हम ना 30 से 40 ml ये डालेंगे ऑक्टेन बूस्टर और इससे चेक करेंगे। अभी मैं इसमें डालूंगा नहीं, ये इंट्रो बनाने के लिए हम ये खुली जगह पर आए हैं आप दोस्तों के लिए कि इंट्रो बना के फिर हम जाएँगे हाईवे पर। हाईवे पर जाके पहले हम सिंपल पेट्रोल चेक करेंगे, फिर ये डाल के राउंड जो टू वापसी का राउंड होगा शहर हमारे घर की तरफ, तो फिर हम ये डाल के आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि भाई इसका फ़ायदा है या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं हाईवे पे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक डेली पहुँच सके। तो मौसम जैसे ठीक होता है इंशाल्लाह डेली बेस पे हम वीडियो बनाया करेंगे। मौसम ठीक नहीं होता, आपको पता है हमारा कॉन्टेंट भी रेसिंग है, आप धुंध में स्मोक में हम बाइक तो नहीं बिगा सकते। ठीक फ्रेंड्स, हम हाईवे पर आ गए हैं, यहाँ हमने रेस करनी है तो रेस आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे राउंड 1 और राउंड 2। अगर राउंड 2 में हम ये यूज़ करेंगे, अभी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, तो भाई वीडियो आपने पूरी देखनी है, फिर आपने चीज़ का बताना है कि बाकी उसका फ़ायदा है या नुकसान है, ये आपने बताना है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं कहूँगा ये चीज़ ठीक है या नहीं, ठीक है। मैंने रेडियो प्लग की एक ऑनेस्ट वीडियो बनाई थी भाई, उसमें मैंने कोई प्रमोशन या कोई चीज़ ऐसे नहीं डाली, ठीक है। वो आप दोस्तों के लिए बनाई है, ऑनेस्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी वीडियो बना रहे हैं आप दोस्तों के लिए, आप देखिएगा कि इसका फ़ायदा नुकसान। अभी राउंड 1 जो है बगैर इसके ऑक्टेन बूस्टर के, इसके बगैर अभी स्टार्ट करते हैं। ये 4th गियर में कितनी स्पीड पकड़ता है, कितनी स्पीड होती है यार। एक बात आपको बताता चलूँ, अभी 2 लोग होंगे हम बाइक पे, क्योंकि एक लड़के के पास कैमरा होगा, एक मैं, क्योंकि अभी GoPro हमारे पास है, हेलमेट पे यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। हेलमेट हम तब यूज़ करते हैं जब तीन चार बाइक के साथ रेस हो। अभी इसमें हमने 60 ml अंदाजे के मुताबिक ना 1.5 लीटर इसमें पेट्रोल है, ठीक है।
तकरीबन 60 ml इसमें डाल लिया। अभी ये यूज़ करके चेक करते हैं वाकई इसका फ़ायदा है या नहीं। तो डालने के बाद आपने ये करना है कि फ्यूल टैंक इसका अच्छी तरह आपने हिला लेना है। हिलाने के बाद फिर आपने ड्राइव करना है। ऑक्टेन बूस्टर हमने इसमें डाल लिया, डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह हिलाना है। तकरीबन 60 एम एल हमने इसमें डाला है। अभी राउंड टू आपको दिखाते हैं, राउंड टू में इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है या नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कर लिया है इसमें कैमरे की जो GPS स्पीड है उसमें आपको वाजिया पता चल जाएगा इसका फ़ायदा है या नुकसान है। तो मुझे तो कोई ख़ास फर्क नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई लॉन्ग जर्नी नहीं किया, लॉन्ग सफ़र नहीं किया। लॉन्ग सफ़र पे जाएंगे, लॉन्ग टूर पे जाएंगे, लॉन्ग राइड करेंगे तो फिर ही पता चले। लेकिन अभी मैं जाकर इसका स्पीड मीटर एक्टिवेट करूँगा, वीडियो करूँगा, फिर वाजिया पता चलेगा। अभी हम हाईवे पर हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस, वीडियो एडिट कर करूँगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।